आई थिंक फर्स्ट गोइंग टू आई है जिसमें हमने इतनी मेहनत की है उसका कोई टेस्ट जो मेक एंड टेस्टिंग मेक वेस्ट कर दिया है बनकर. Hello everyone, I am Prachi and welcome back to my channel. Glad you like. So this video is going to be so amazing and crazy because today I am going to make most viral recipe of Instagram. So yeah, we will be testing those recipe and dekhenge ki how the recipe will turn out. Before starting this video, don't forget to give big thumbs up. So let's get started. So first recipe I am testing is pasta chips. Pasta तो सबने खाया होगा but अब देखते हैं उसका pasta chips कैसे बनता है. Pasta chips बनाने के लिए हमको ज़्यादा ingredients नहीं चाहिए. So पहला ingredient जो हमको चाहिए वो है pasta. Pasta को हमने यहाँ पर already boil करके रखा हुआ है. इसमें अब हम add करेंगे oil. Oil और pasta को अच्छे से mix करने के बाद इसमें हम add करेंगे seasoning. सीजनिंग आप कोई भी ऐड कर सकते हैं. आप पेरी पेरी मसाला ऐड कर सकते हैं. आप मैजिक मसाला ऐड कर सकते हैं. इसमें मैं ब्लैक पेपर एंड हियर आई एम एडिंग हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. आफ्टर डैट यू कैन ऑल्सो ऐड ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स वॉट एवर यू लाइक टू गिव एक्स्ट्रा फ्लेवर इन दिस. हियर आई एम एडिंग ड्राइड गार्लिक. यू कैन ऑल्सो ऐड फ्रेश गार्लिक इफ यू वॉन्ट एंड ऑल्सो एडिंग सम थाइम. सारी सीजनिंग और मसाले डालने के बाद हमको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से. इफ यू वॉन्ट योर चिप्स टू बी मोर स्पाइसी यू कैन एड मोर सीजनिंग इन इट बट आई थिंक कि इतना ठीक है. अब इसको हमको डायरेक्टली फ्राई कर लेना है. अगर आपको हेल्दी वे में चाहिए तो आप इसको बेक कर लीजिए. सो आई एम बेकिंग दिस इन अवन फॉर 20 मिनट्स. फॉर दैट यू हैव टू टेक अ ट्रे and just add a butter paper on it like this. और इसको इसमें अच्छे से फैला दीजिए. You have to completely cool it down before serving it. अब देखते हैं ये टेस्ट में कैसा है. मैं इसको चिली सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ. स्वीट चिली सॉस. आप इसको किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं जैसे कि मेयोनीज. My viral and trending pasta chips is ready. I hope कि ये बहुत crispy और अच्छा बनाओ जैसे कि वीडियो में दिखाया था. नहीं तो मेरे पूरे pasta ये waste हो जाएंगे which I really don't want. So let's see. It's good. काफ़ी crunchy बने बट इसमें ज़्यादा सीजनिंग नहीं है क्योंकि मैंने कम सीजनिंग डाली थी. अगर आपको और भी चटपटे चाहिए तो आप इसमें और भी सीजनिंग ज़्यादा मसाले वगैरह ज़्यादा ऐड करना. बहुत टेस्टी है. आई विल गिव दिस 10 out of 8. यू कैन ऑल्सो ट्राई. नेक्स्ट रेसिपी विच इज बबल टी. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रेसिपी क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत बार देखा है इसको इसका वो बबल टी कैसा बनता है. मैं हमेशा से इसको बनाना चाहती थी तो फाइनली आज वो टाइम आ गया. बबल टी एक ड्रिंक है जिसमें हर ड्रिंक के अंदर एक छोटे छोटे बॉल्स बने होते हैं. मैं इस रेसिपी को बहुत टाइम से बनाना चाहती थी पर पता नहीं था कि कैसे बनते. मैंने इसके बहुत सारे वायरल वीडियोज देखे थे तो इसमें बस हमको थोड़ी सी इंग्रीडियंट्स की जरूरत होती है. तो देखते हैं कैसा बनता है. To make this most viral bubble tea recipe, we only need corn flour, sugar and water. First, you have to take a pan and add brown sugar in it. I don't have brown sugar, so I am adding white sugar in it. क्योंकि brown sugar से ही वो brown bubble tea का real color आता है जैसे मैंने उस videos में देखा था. So we will try different method in this and adding water in it. We have to make a slurry. To give color in boba tea, bubble tea को boba tea भी बोलते हैं और इसमें हम add करेंगे 1 teaspoon of coffee. And water.
just to give color. बोबा टी आप कोई भी फ्लेवर का भी बना सकते हैं, जैसे मैंगो प्योरी का, कोई भी फ्रूट प्योरी का. As you see, my sugar is fully dissolved in it. To give fruit color, I'm adding coffee. And we will cook it till it reduced. ये ऑलरेडी उबल के हाफ हो चुका है. Now we will add corn flour. Just mix it. मिक्स इट लाइक दिस. और आप जिस तरीके इसको ऐड करते जाएंगे, ये सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा. हीट को आपको बंद कर देना है. जो आपने कॉर्नफ्लावर और सिरप का डो बनाया था वो कुछ ऐसा दिखेगा. इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए. देन यू हैव टू डस्ट मोर कॉर्नफ्लावर. इसको इस तरीके से उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है. पहले उसको ऐसे फैलाइए लंबा लंबा. मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट लेंगे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बोबा टी के लिए. लेट्स सी कैसा बनता है ये. आप इस बबल टी को आइस टी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉफ़ी कोई शेक में भी यूज़ कर सकते हैं. और इस तरीके से हमारे छोटे छोटे बॉल्स रेडी हैं. नाउ वी विल बॉइल इट. सब बॉल्स को बॉइल करेंगे. वी विल सी हाउ इट विल टर्न आउट. आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद दिस. बॉइल होने के बाद कुछ बबल टी ऐसा दिखता है. And here's my bubble tea bubbles are ready. See how it's look. आप इसको किसी भी उसमें एज अ टॉपिंग यूज कर सकते हैं, आइस क्रीम भी बना सकते हैं. बट हियर आई एम मेकिंग कोल्ड कॉफी विद इट. अगेन आई एम सेइंग दैट आई हैव अ रियली बिग एक्सपेक्टेशंस विद दिस. First time adding these bubbles. Then adding a lot of ice. And adding milk. And last one, scoop of coffee down. आपको इसमें नीचे से छोटे छोटे बबल्स दिख रहे होंगे. सी हाउ इट टेस्ट. छोटे छोटे बबल्स दिख रहे होंगे. एंड हियर फाइनली माय बबल टी इज रेडी. जो हमने बबल्स बनाए हैं, जिसमें हमने इतनी मेहनत करी है, उसका कोई टेस्ट नहीं है. कोर्स जो कॉफी बनाई है सिर्फ उसका टेस्ट आ रहा है. बट आई वॉन्ट टू टेस्ट दैट बबल ऑल्सो. मुझे उसे स्पून की मदद से टेस्ट करना पड़ेगा. टेस्ट दैट बबल. हियर इट इज. आई विल टेक ऑन टू.
अब हम इसको बेक करेंगे। बेकिंग के लिए मैंने बेकिंग ट्रे लिया है, इसमें अच्छे से ऑयल या बटर से इसको ग्रीस कर लिया है। देन वी हैव टू पोर इट। सो हियर माई टू इंग्रेडिएंट्स, चॉकलेट केक इज रेडी आफ्टर 30 मिनट्स, वी हैव बेक्ड इन ओवन। आप देख सकते हैं इसका कोई साइज में डबल भी नहीं हुआ है, बट हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा बना है। इसका टेक्सचर ब्राउनी जैसा है और इसका केक जैसा टेक्सचर तो बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको कभी बनाएंगे तो आपको गुड क्वालिटी का चॉकलेट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने यूज़ किया है, उसी की वजह से इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है। बट आई विल गिव दिस 6 out of 10, क्योंकि इसमें चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा है, बट ये बहुत गूई सा बना है और ये इसको बोलेंगे ब्राउनी, चूई सा ब्राउनी। खाने में अच्छा, अगर आप इसको आइसक्रीम के साथ खाएंगे तो ये और भी टेस्टी होगा। Like this video, please do like, comment, share and subscribe and press the bell icon for more updates. Tab tak ke liye thank you, take care, bye bye.